साथियों, ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, ये बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। इन नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस बजट से छोटे व्यापारियों, एमएसएमईज को, यानी कि लघु उद्योगों का, उसकी प्रगति का नया रास्ता मिलेगा। बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर भी बल है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल है। इससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और गति को भी निरंतरता मिलेगी। साथियों, रोजगार और स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर बढ़, ये हमारी सरकार की पहचान रही है। आज का बजट इसे और सुदृढ़ करता है। देश और दुनिया ने पीएलआई स्कीम की सफलता देखी है। अब इस बजट में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है। इससे देश में करोड़ों करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। इस योजना के तहत जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी। स्किल डेवलपमेंट और उच्च शिक्षा के लिए मदद हो या फिर 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप की योजना, इससे गांव के, गरीब के मेरे नौजवान साथी, मेरे बेटे बेटी देश की टॉप कंपनियों में काम करेंगे। उनके सामने संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। हमें हर शहर, हर गांव, हर घर एंटरप्रेन्योर्स बनाना है। इसी उद्देश्य से बिना गारंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। इससे छोटे कारोबारियों, विशेष रूप से महिलाओं, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा। साथियों, हम सब लोग मिलकर भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। देश का एमएसएमई सेक्टर मध्यम वर्ग से जुड़ा हुआ है। एक प्रकार से एमएसएमई सेक्टर की ओनरशिप मध्यम वर्ग ही है और इसी सेक्टर से गरीबों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी मिलता है।
छोटे उद्योगों की बड़ी ताकत, उस दिशा में हमारा अहम कदम है। इस बजट में एमएसएमईज के लिए ईज ऑफ क्रेडिट बढ़ाने वाली नई योजना का ऐलान किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स इकोसिस्टम को हर जिले तक ले जाने के लिए बजट में अहम घोषणा की गई है। ई कॉमर्स, एक्सपोर्ट हब्स और फूड क्वालिटी टेस्टिंग के लिए 100 यूनिट्स, ऐसे कदमों से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान को गति मिलेगी। साथियों, ये बजट हमारे स्टार्टअप्स के लिए, इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए ढेर सारे नए अवसर लेकर आया है। स्पेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का फंड हो, एंजल टैक्स हटाने का फैसला हो, ऐसे कई सारे कदम इस बजट में उठाए गए हैं। साथियों, रिकॉर्ड हाई कैपेक्स इकोनॉमी का एक ड्राइविंग फोर्स बनेगा। 12 नए इंडस्ट्रियल नोड्स, देश में नए सैटेलाइट टाउन्स का विकास और 14 बड़े शहरों के लिए ट्रांजिट प्लांट्स, इससे देश में नए इकोनॉमिक हब विकसित होंगे और बहुत बड़ी संख्या में नए रोजगार बनेंगे। साथियों, आज डिफेंस एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड स्तर पर है। इस बजट में डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। आज पूरी दुनिया में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है और भारत में टूरिज्म के क्षेत्र में नई संभावनाएं बनी हैं। टूरिज्म क्षेत्र गरीब और मध्यम वर्ग के लिए कई अवसर लेके आता है। इस बजट में टूरिज्म क्षेत्र पर भी विशेष बल दिया गया है। साथियों, एनडीए सरकार ने पिछले 10 साल में ये सुनिश्चित किया है कि गरीब और मध्यम वर्ग को लगातार टैक्स से राहत मिलती रहे। इस बजट में भी इनकम टैक्स में कटौती और स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि का फैसला लिया गया है। टीडीएस के नियमों को भी सरल किया गया है। इन कदमों से हर टैक्स पेयर को अतिरिक्त बचत होने वाली है। साथियों, देश के विकास के लिए भारत के पूर्वी क्षेत्र का संपूर्ण विकास पूर्वोदय के विजन द्वारा हमारे इस अभियान को नई गति, नई ऊर्जा मिलेगी। हम पूर्वी भारत में कई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाईवेज, वाटर प्रोजेक्ट्स और पावर प्रोजेक्ट्स का निर्माण कर विकास को नई गति देंगे। साथियों, इस बजट का एक बहुत बड़ा फोकस देश के किसान है। अन्न भंडारण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम के बाद अब हम वेजिटेबल प्रोडक्शन क्लस्टर्स बनाने जा रहे हैं। इससे एक और छोटे किसानों को फल, सब्जियों, अन्य उपज के लिए नए बाजार मिलेंगे, बेहतर दाम मिलेंगे, तो दूसरी ओर हमारे मध्यम वर्ग के लिए फल सब्जियों की उपलब्धता बढ़ेगी और परिवार के लिए पोषण भी सुनिश्चित होगा। कृषि क्षेत्र में भारत का आत्मनिर्भर बनना समय की मांग है। इसलिए दलहन तिलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को मदद की घोषणा की गई है।